रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था, जिस वीडियो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी जो है एनपीसीआई और आरबीआई मिलकर एक नया अपडेट, नया गाइडलाइन जारी करने वाली है, जिससे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे एप्लीकेशन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर जो है मार्केट में से सिर्फ 30% पेमेंट एक्सेप्ट करने का ही अथॉरिटी दिया जाएगा। तो अब उस अपडेट में चेंजेस हो चुके हैं और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के यूजर्स के लिए भी खुशखबरी है और उन कंपनियों के लिए तो गुड न्यूज है ही है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आपसे भी और ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो अभी की बात की जाए तो कहीं पर भी आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यूपीआई का ही यूज करते हैं, और यूपीआई के लिए मोस्ट पॉपुलर जो एप्लीकेशन है उनमें से फोन पे, पेटीएम और गूगल पे ही नाम आपके जवान पर आते हैं। बाकी एप्लीकेशन भी है मार्केट में, लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंस है और उनकी जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा कम है इनके मुकाबले। अगर मैं अभी के डाटा की बात करूं तो अभी जो है 80% मार्केट कैप्चर जो है सिर्फ और सिर्फ फोन पे और गूगल पे के पास में है। कुछ 13% मार्केट जो है पेटीएम भी कैप्चर करके रखा हुआ है, और उसके बाद 1% जो 2% का मार्केट है उसमें अमेजोन पे, फ्री रिचार्ज, क्रेड या जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उनके थ्रू यूपीआई पेमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्केट कैप्चर है वो फोन पे और गूगल पे के पास में है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एनपीसीयू और आरबीआई में ये डिस्कशन चल रहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन की मोनोपोली बढ़ जाए और उसी के ऊपर डिपेंडेंसी जो है बढ़ जाए कि उसी के थ्रू यूपीआई पेमेंट किया जा सके। इसी कारण से वो क्या चाहते थे कि इनके ऊपर 30% की कैपिंग लगा दिया जाए, उनके थ्रू जो है 30% यूपीआई पेमेंट ही किया जा सकता है, उसके अलावा आपको जो है किसी और एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा, चाहे आप भीम एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो या जिस बैंक का आपने अकाउंट खाता खुलवा रखा है उसका भी एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मोनोपोली ज्यादा नाम बढ़ जाए, इसीलिए यहां पर नया अपडेट आया जा रहा था कि 30% की कैपिंग वहां पर लगा दी जाए। लेकिन अब यहां पर गुड न्यूज ये आ चुका है कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी 31 दिसंबर 2022 की रखी गई थी कि वो उसके बाद से जो 30% का कैपिंग है वो लागू हो जाएगा, लेकिन अब इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसका डेट जो है 2024 में चला गया है, यानी 2024 में इस अपडेट को लागू किया जा सकता है। हो सकता है फ्यूचर में भी इसमें चेंजेस आ जाए, लेकिन अभी जो है इसका अपडेट आया कि 2024 में इसके बारे में फिर से पुनः विचार किया जाएगा। अभी आप 2 साल के लिए निश्चिंत रहो, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूपीआई पेमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आया था, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को लगा बता देना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाकर दे दिया हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ कि शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।